दुनिया को आगे तक, हमारी फ्यूचर, हमारे आने वाली जनरेशन वहाँ तक पहुँचाएंगे। ये क्या कुछ होने वाला है आज? आज सर्वप्रथम देव पूजा वहाँ सम्पन्न हुआ, उसके बाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों से रैली के माध्यम से यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं समाज वाले। अच्छा। उसके बाद एक भव्य पैदल रैली और साथ ही साथ एक आक्रोश रैली जो मणिपुर में घटना हुआ है अभी, जो न ही पूरे समाज को बल्कि पूरे देश मानव समाज को शर्मसार करने है, उसी को मेन मुद्दा रखते हुए आज हम रैली के आक्रोश रैली ग्रुप में निकालेंगे। की पहुँच चुके हैं संगवारियों बिलासपुर के जरहाभाटा, जहाँ से संगवारियों आदिवासी विश्व दिवस मनाए जाते, भव्य रैली निकलने वाला है, देख सका था तैयारी चलाते। ये संगवारी हो जरहाभाटा के शासकीय आदिवासी बालक छात्र हरे संगवारी हो, यहाँ से विश्व आदिवासी भव्य रैली निकलने वाला है। विश्व आदिवासी दिवस है जो आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है, यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। अपने पूरे साथ सभी को देख लीजिए, पारंपरिक वेशभूषा में अपने अपनी बात करेंगे वेशभूषा के बारे में। तो बताइए आप जो पहने उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या चीजों को दर्शाते हैं? ये जो है इसको रुपया माला बोलते हैं। अच्छा। और ये जो है इसे करधन बोलते हैं। हाँ। और ये जो है इसे लुकरा बोलते हैं। और ये एठी है, अरे नाम और ये हाथ में रखे उसे क्या बोलते हैं? ये है तुर्रा। तुर्रा तुर्रा है, तुर्रा जिसे हम अपने देवी देवता जो भी है उनको जगाते हैं इनसे। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं, ये तुर्रा का जो आप लोग जो रैली निकाल रहे हो उसका विजन क्या है, उद्देश्य क्या है? रैली निकालने का सबसे बड़ा विजन ये है हमारा कि हम लोग जो ये पारंपरिक वेशभूषा है जो हमारे लोग भूल चुके हैं, यहाँ पे जब भी हम गांव से उठ के शहर में आते हैं लोग भूल जाते हैं कि हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारी पारंपरिक क्या बोलते देव देवी देवता जो भी है वो कैसे हैं, हम यहाँ भूल जाते हैं। तो हम अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लोगों को दिखा के कि हम आदिवासी हैं, हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। बोलो बुढ़ाल पेंता, लाल पेंता, हम इस परंपरा को आगे तक, हमारी फ्यूचर, हमारे आने वाली जनरेशन वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम आशा करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी अभी जिस अवस्था से गुजर रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं मणिपुर में जो हादसा हुआ है, मणिपुर के हादसों के बाद जो ये लड़कियों का चल रहा है कि लड़कियों का कभी रेप किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, उनको लेके प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर आदिवासी लोग को, जो आदिवासी वो भी कौन सी आदिवासी जो जिस क्षेत्र के उसके दूसरे क्षेत्र से आई हुई आदिवासी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भैया एक चीज याद कर लो, आदिवासी मतलब आदिवासी, कोई भी आदिवासी हो, चाहे बाहर की आदिवासी हो चाहे घर की आदिवासी, आदिवासी मतलब आदिवासी ही होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। बोला सभी आदिवासी एक समान, एक समान, सर्व आदिवासी एक समान। हम लोग कभी भी आदिवासी को आदिवासी नहीं बोलते, सर्व आदिवासी उसमें सारी आती है, चाहे वो क्या बोलते हैं गोंडी जनजाति, हल्बी, गोंडी, कंवर, जो भी हो, सारी आदिवासी एक ही आती है और सबको एक ही तरीके से डिक्लेयर किया जाता है कि आदिवासी है और आदिवासी की तरह देखा जाए। बस्तर का प्रमुख मतलब सिंगारों में से एक है एक्चुअल में, जो ये है ना इसको जब हम घर में या फिर कहीं देते हैं, हम बलि देते हैं ना, उसका जो मुर्गा करता है उसको धारण करते हैं, लेकिन आज क्या है दिखावा सांस्कृतिक के परिप्रेक्ष्य में हम धारण कर रहे हैं सिंगार के। और बात करें इधर आप जो गले में है ये निर्क माला है, ये मोतियों की माला है, ठीक है, बारीक मोतियों की। और ये जो है ये सिहाड़ी है, सिहाड़ी एक पेड़ का बीज है, ये औषधि पेड़ का बीज है। हाँ ये पेड़ का बीज है ये, इससे बहुत प्रकार की औषधि बनते हैं। तो मतलब इस पहनने का ये आशय है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं, अपने औषधि गुण को भी हम दिखा रहे हैं। और ये जंगली सुअर का दांत है, इसका दांत है जंगली सुअर, जंगली सुअर बरहा बोलते छत्तीसगढ़ी में, इसका दांत है, ईसा बोलते हैं। अच्छा। और ये ये सूता है, असली बोलते हैं सूता है ये, इसको भी जब जो युवक हैं जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट है ना, हम एडल्ट हो जाते हैं, उसका चिन्हारी है कि अभी शादी करने के योग्य हो गया, उसको धारण करवाते हैं। अच्छा। हाँ। तो शादी से पहले करते हैं या शादी के समय करवाते हैं? अच्छा। लेकिन अभी क्या है संदेश देने के चलते इसको धारण करना पड़ता है। अच्छा। एडल्टहुड में धारण करते हैं। हाँ। तो आज जैसे कि आप लोग जो रैली निकाल रहे हो जी, इसके बारे में बताइए क्या कुछ होने वाला है आज? आज सर्वप्रथम देव पूजा वहाँ सम्पन्न हुआ, उसके बाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों से रैली के माध्यम से यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं समाज वाले। अच्छा। उसके बाद एक भव्य
पैदल रैली और साथ ही साथ एक आक्रोश रैली जो मणिपुर में घटना हुआ है अभी, जो न ही पूरे समाज को बल्कि पूरे देश मानव समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, उसी को मेन मुद्दा रखते हुए आज हम रैली के आक्रोश रैली के रूप में निकालेंगे कि आज इस इतने वर्चस्व समाज में, इतने आधुनिक समाज देश की समाज की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो आज मेन थीम हमारा यही है। तो अभी मतलब अलग अलग जगह पे जो समाज के लोग हैं वे सभी उपस्थित हैं, सब यहाँ आए हैं, ये बलौदा बाजार से, एक मंगली से आए हैं, ये मंगली बॉर्डर से आए हैं, कोई बलौदा बाजार से आए हैं, सब अलग अलग क्षेत्र से आके आज यहाँ से। Come on!